गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने सेल्फ स्टडी क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं पूरे जोश से, पूरे खुशी के तरीके से। और उम्मीद करती हूँ कि जो ये सेशन होगा आपको बेहतरीन लगेगा और आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए। चाहे वो कोई भी टेट टीचिंग का एग्जाम हो, चाहे नेट हो, जेआरएफ हो, जिसमें भी साइकोलॉजी व चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाता है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट सेशन है। ठीक है, तो मन लगाकर आंसर करेंगे और ध्यान देंगे हर एक ऑप्शन पर, क्या पता यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यूट्यूब चैनल के साथ साथ ऐप भी है सेल्फ स्टडी क्लासेस का, तो ऐसा कुछ आइकॉन है, आप ऐप को भी इंस्टॉल कर ले। ये ऐसा ऐप रहेगा आपको, तो इंस्टॉल करने का ये ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो आपको ओपन आगे आ जाएगा, ये सारा सिस्टम आपको दिखाएगा, तो आप समझ जाना कि सेल्फ स्टडी क्लासेस हमको मिल चुका है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला देखने से पहले पहला क्वेश्चन आ चुका है भाई। अब पहले क्वेश्चंस करने से पहले, आंसर करने से पहले, सभी फ्रेंड्स, एक एक फ्रेंड्स, कोई भी ईमानदारी कोई इधर उधर नहीं करेगा, हर एक फ्रेंड्स अपना ईमानदारी बरतेगा। ठीक है, और आज अपने को हैंडेड जाना ही जाना है। ठीक है, कल कुछ हम बाकी रह गए थे, 75-80 गए थे, लेकिन हम हैंडेड नहीं हो पाए थे, लेकिन आज अपने लाइव फ्रेंड जोड़ने का टारगेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता सकता। हाँ, राजगढ़ की शेरनी बिल्कुल स्वागत है भाई। माया राम जी, दर्शु, राजगढ़ की शेरनी और लवली, सरोज, चलिए स्वागत है सभी का। 100+ आल रखना है सभी फ्रेंड्स को, बिल्कुल। चलिए तो मैं कैमरा को हटा देती हूँ, आप लोग क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए, फिर मैं इसके बाद क्वेश्चन को, हाँ कल मेरे साथियों को कहना था कि पहले आप ऑप्शन आंसर बता दिया करिए, राइट ऑप्शन, फिर इसके बाद अपना यहाँ पर क्लियर किया कीजिए मैम जी, तो आज वही होगा। ठीक है, हाँ चलिए, ओके, पहला आंसर सरोज का आया है। ठीक है, चलिए, क्लास में संख्या बहुत कम है, ईमानदारी आप रखेंगे, हम आपको एक से एक क्वेश्चन आपको ला करके दे रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, तो आप भी शेयर करने से कंजूसी नहीं करेंगे कोई भी, आंसर करें सभी फ्रेंड्स, क्या होगा। चलिए एक बार हम क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुभूति, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती, इस सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता। एक चीज नोट कर लीजिए, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो रिलेटेड आपके साइकोलॉजी, मतलब कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनसे संबंधित है। मान लीजिए समाज की बात है तो वाइगोत्स्की है, ठीक है, अगर वातावरण की बात है तो हमेशा आपको किसको आंसर करना है, पियाजे को करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने होंगे। ठीक है, हाँ, चाहे इस प्लेटफॉर्म में रहे या किसी अदर प्लेटफॉर्म में रहे, लेकिन आपको ये चीज बिल्कुल हमेशा नोट करके रखनी है। ठीक है भाई, चलिए तो देखिए क्या कह रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक का अधिगम होगा या पियाजे का होगा या टॉलमैन का होगा या कोहलर का होगा। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो भाई पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि थॉर्नडाइक ने अधिगम का जो सिद्धांत दिया है, तीन मुख्य नियम दिए हैं। कौन कौन से नियम दिए हैं, पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। अब तत्परता का नियम क्या कहता है, जब आप चीजें सीखने के लिए तत्पर होते हो तो चीजें आप सीख जाते हो। पहला अभ्यास का नियम, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीजें एक दिन अवश्य आपको आ ही जाएंगी। प्रभाव का नियम मतलब कुछ चीजें आप पढ़ते हो तो आपको लाइफ में इफेक्टिव कर जाती है, कुछ मोटिवेशन आप कभी कभी ऐसे सुनने को मिल जाते हैं कि जो आपको लाइफ को बदलने में कामयाब कर देते हैं, मतलब कि वो मोटिवेशन का काम करते हैं। तो क्लियर हुआ सभी को, हाँ भाई, लाइक तो बनता है, साथ ही साथ दूसरी चीज ये भी है कि भाई शेयर की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, लगातार सभी मेरे साथ ही मैं देख पा रही हूँ जैसे, तो हाँ पूरा सहयोग जैसे कल आपने दिया है, पिछले दिन आपने दिया है, तो आज भी दीजिए और आज अपने 100+ टारगेट को कंप्लीट कीजिए लाइव फ्रेंड जुड़ने का, सभी को भी, हाँ बिल्कुल, दिल से स्वागत है। तो देखिए थॉर्नडाइक ने आपका ये दिया है, तीन मुख्य नियम, 5 गौण नियम दिए हैं। ठीक है, पियाजे का संज्ञानात्मक आपको मालूम है, 4 अवस्थाएं इन्होंने दी है। टॉलमैन का संकेत, ये आपको ये इंपॉर्टेंट है, टॉलमैन का संकेत थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, संकेत का नियम क्या है, आपको रिटर्न करके नहीं बताती, ओरली बता देती हूँ। टॉलमैन ये कहते हैं
कि एक कुछ संकेत होता है। कहने का मतलब यह है कि जब मान लीजिए आप यहाँ पर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया गया, अब वो क्वेश्चन आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहां से पढ़ा और यही क्वेश्चन वहां आ गया, मतलब ये आपको वही संकेत जो यहां मिला वही संकेत आपको वहां देखने को मिला, तो ये संकेत कॉम्बिनेशन कर दिया, मतलब ये चीजें आप मतलब लाइफ में जब कुछ बुरा हो जाता है तो वो चीजें हमेशा याद आती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा इंडिकेट हमारे माइंड में सेव हो जाती है कि यार ऐसा बुरा वक्त था, उसने हमारा साथ नहीं दिया था। तो ऐसा ही होता है संकेत का नियम, ठीक है। कोहलर कोफ्फा का नियम आप सभी पढ़े हैं, सूझबूझ का सिद्धांत। कहने का मतलब ये है कि जब परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में आती हैं तो अपने आप कोई कैसा भी कितना भी आईक्यू पावर लेवल कम होगा, लेकिन जब परिस्थितियां आती हैं तो अच्छे अच्छे को मजबूत बना देती हैं। कोविड इतना तेजी से था कि कोई कभी सोचा भी नहीं था, है ना, कि इतने भयावह में भी हमें बाहर काम करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स अभी भी घर से बाहर काम कर रहे हैं। तो क्या काम करना उन्होंने छोड़ दिया है? नहीं, क्योंकि अगर परिस्थितियां हैं तो परिस्थितियों के साथ उन्होंने अपने आप खुद को ढाल लिया है। और कुछ ऐसे संकेत कि भाई देखो जो प्रोटोकॉल है उसको हम फॉलो करेंगे तो हम सेफ रहेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ भाई, जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही अच्छी तुम्हारी सब कुछ लाइफ में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और जब तक 100+ नहीं होंगे आज कोई भी साथी शेयर करना नहीं छोड़ेगा। भाई अगर मेरी मेहनत आपको दिखाई दे रही है तो आप लोग शेयर करेंगे, मेरे हर एक फ्रेंड्स, मैं किसी का नाम लूं या ना लूं लेकिन हर एक फ्रेंड्स को मैं कह रही हूं कि हर एक फ्रेंड्स मेरी मेहनत को समझे हो सके तो, क्योंकि आप भी इस पड़ाव के बाद आप भी शिक्षक होने जा रहे हैं, तो बिल्कुल सहयोग कीजिए, मेरा भी कीजिए, ताकि मैं भी काम कर सकूं आप सभी के बीच, मेरा भी मन लग सके, मुझे भी मोटिवेशन मिल सके आप सभी के द्वारा, है ना। हाँ बिल्कुल, चलिए देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा। एरिक्सन के अनुसार क्या कह रहा क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक, एरिक्सन की आपने थ्योरी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो हम पढ़ा यहाँ पर समझा देंगे आपको। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। जो एरिक्सन ने आपको थ्योरी दी है मनोसामाजिक सिद्धांत की, वो 8 प्रकार की दी है, ठीक है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास किस चरण में मेल खाता है? जो कक्षा तीन का छात्र 9 साल के आसपास है तो विकास किस चरण में मेल खाता, मतलब कक्षा थर्ड का बच्चा है कितने साल का है? 9 साल का बच्चा है, तो कौन सी एज में यहाँ पर मेल खाता है आंसर कीजिएगा। पहला है शर्मिंदगी, हाँ 25 आप लोग हो चुके हैं, 75 और जोड़ना है। लवली, सैमसंग, दीपक, ममता, मायाराम, सरोज, सभी राजगढ़, ओमदेव, हाँ भाई सभी लोग एक बार अपना सहयोग दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे भी काम करने में मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग की संख्या देखती हूँ तो मुझे अपने आप ही क्लास देने का मन करता है ना। हाँ चलिए, तो बताइए शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता है, परिश्रम बनाम भीनता है, तीसरा है नेतृत्व बनाम अपराध है, चौथा है अंतर्गता बनाम अलगाव, क्या होगा? सभी फ्रेंड्स आंसर कीजिए। हाँ 30+ आप लोग हैं यहाँ पर, 30+ है, 70 फ्रेंड्स और जोड़ना है सभी फ्रेंड्स को। चलिए आंसर कीजिएगा क्या होगा, ज्यादातर आंसर ए आ रहे हैं। ओके ज्यादातर आंसर कैसा आ रहा है? ए आ रहा है। एक बार मैं आपको बता देती हूं इन्होंने थ्योरी में कितने प्रकार का बताया है, नोट कर लीजिएगा एक बार, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं कि मैं डिटेल थोड़ा बताने लगती हूं? मेरी आदत है ना कि मैं जो चीजें पढ़ती हूँ मुझे पूरी जानकारी होना उस चीज का, चाहे हम थोड़ा पढ़े लेकिन सफिशियंट पढ़े ताकि लाइफ टाइम याद रहे। देखिए एरिक्सन ने जो थ्योरी दी है टोटल 8 प्रकार की उन्होंने बताया है। पहला कौन सा दिया है? विश्वास बनाम विश्वास, विश्वास बनाम विश्वास। दूसरा कौन सा उन्होंने दिया है? स्वायत्तता, स्वायत्तता बनाम शर्म व संदेह, ठीक है, हाँ शर्म व संदेह। तीसरी कौन सा? पहल बनाम दोष। चौथा कौन सा दिया है?
परिश्रम बनाम हीनता। नोट करते जाइएगा, ठीक है। पांचवा कौन सा दिया है? पहचान बनाम भूमिका। छठवां कौन सा दिया है? घनिष्ठता बनाम अलगाव। ठीक है, फिर छठवां के बाद सातवां कौन सा दिया है? जननात्मकता बनाम स्थिरता। आठवां कौन सा दिया है? संपूर्णता बनाम निराशा। आठ प्रकार की उन्होंने थ्योरी टोटल दी है, ठीक है भाई। हाँ देखिए, पहला इन्होंने क्या किया है? विश्वास बनाम विश्वास में क्या कहा है इन्होंने, नोट कर लीजिएगा। विश्वास बनाम विश्वास में कहना है कि बच्चा काम करता है। जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चा काम करने की कोशिश करता है, लेकिन मम्मी अगर मना कर देती है, बोलती तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तो बच्चा काम कर रहा है तो विश्वास जागृत था। उसको काम मम्मी उसकी नहीं करने दे रही है तो विश्वास बनाम अविश्वास की भावना उसमें विकसित होने लगती है कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, हो सकता है इसलिए मेरी मम्मी मुझे मना करती है। स्वायत्तता शर्मो असंदेह, इसमें स्वयं वो काम करना करना चाहता है, लेकिन काम उससे अगर अच्छे से नहीं हो पाता तो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगता है। परिश्रम बनाम हीनता, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? परिश्रम बनाम हीनता। क्या होगा यहाँ पर परिश्रम बनाम हीनता भाई? यहाँ पर बेसिकली वो भी काम करना चाहता है, नए नए काम करना शुरू करता है, सफलता प्राप्त काफी प्रोत्साहित रहता है, मोटिवेशन उसको मिला रहता है, इस प्रकार वो काम करना चाहता है। अगर अच्छा नहीं, मान लीजिए कि वो 10th की तैयारी कर रहा है, 10th या 12th की, तो वो अच्छे परसेंटेज आ गए तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें परिश्रम की जागृत हो जाएगी उसमें क्रिया, और नहीं हो पाया अच्छे से, रैंक उसके उसके अकॉर्डिंग नहीं आ पाए तो हीनता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। पहचान बनाम भूमिका, इसमें बच्चा पहचान बनाना चाहता है ना, अपना खुद का अलग समाज बनाना चाहता है, अब अगर ऐसा नहीं कर पाता तो वो अपने में हीनता पैदा करने लगे। घनिष्ठता बनाम अलगाव, इस एज में क्या होता है, शादी होती है, उम्र शादी की उम्र हो जाती है, विवाह होता है, अगर किसी से लगाव हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो अपने आप को हर एक व्यक्ति अलगाव महसूस करने लगता है। जननात्मकता में क्या होता है, इसमें पेरेंट्स बन जाते हैं, है ना, हर एक पेरेंट्स बन जाता है, इसमें अपने बच्चों के लिए नए नए काम करते हैं ये काम। अगर संपूर्णता बनाम निराशा, सारे कुछ अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पाए तो उन्होंने उनके अंदर अलगाव का महसूस होने लगता है कि हमने लाइफ में नहीं कर पाया कुछ भी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, परिश्रम बनाम हीनता। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ कोई बात नहीं, अगर आप हम समझा देते हैं वॉइस से ही आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। शुरू में बच्चा क्या करता है? एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का प्रयोग करता है, जैसे आपकी पांच हथेली है, पांचों को वो पकड़ करके काम करता है। तो धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करने लगता है। पहले पूरी पूरी उंगलियों का काम करता है, फिर एक उंगली और एक अंगूठे कितने का काम करता है, ठीक है। तो वस्तु को उठाने के लिए कर, इस प्रकार की प्रगति क्या है? सेफेलोपोडल प्रगति, प्रॉक्सिमो मॉडल प्रगति, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति, या फिर अनियमित प्रगति। आंसर करेंगे क्या होगा? थैंक यू भाई, थैंक यू। देखिए आप लोग अपने टारगेट से अपने यहाँ पर वादा खिलाफी कर रहे हैं आप लोग, है ना। मैं मेहनत करके आपको क्लास दे रही हूँ, 25 आप टोटल हैं, 75 आपको और लाइव फ्रेंड्स लेके आना है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। हाँ मेरी मेहनत को आप लोग ईमानदारी से देखिए, अपनी मेहनत समझिए, मेरी मेहनत को अपनी मेहनत समझिए। देखिए एक विकास का दिशा का सिद्धांत है, विकास के दिशा का सिद्धांत क्या कहता है? विकास के दिशा का सिद्धांत कहता है कि एक क्या होता है, सफेलोपोडल, एक सफेलोपोडल जिसको क्या कहते हैं, सिर से पैर की ओर, जब बच्चे का विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। दूसरा होता है प्रॉक्सिमो मॉडल, ये क्या होता है, ये केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो क्लियर हुआ सभी को? चलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहले बच्चा पूरी हथेली, हाँ, सी ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति हो जाएगा। चलिए वस्तु उठाने के उपयोग कर, इस प्रकार का प्रगति है।
हाँ बिल्कुल अर्चना जी, बिल्कुल स्वागत है बेटा। आज तो हमारे 20 क्वेश्चन ही है, निश्चिंत रहिए आपका प्रयास अच्छा रहेगा। तो हम अपने मैनेजमेंट टीम से बात करेंगे, चूंकि हर कुछ हमारे बस में नहीं हो पाता है ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सब कुछ हम नहीं कर सकते, सारा डिसीजन हम नहीं ले सकते, हमारा मैनेजमेंट भी लेता है। तो सभी कुछ जब अगर राजी हो जाएंगे तभी वो काम हम कर पाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए आपका प्रयास अच्छा रहेगा तो बेशक सब कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। हाँ देखिए, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है, आंसर करना है आपको। हाँ 30 क्वेश्चन लाएंगे दीपक जी, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, कम से कम आप लोग शेयर तो कीजिए। अभी आप 25 हैं, बताइए 25 में 30 क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। 25 फ्रेंड्स आप लोग कम से कम 100+ जोड़िए तो मुझे भी मोटिवेशन मिले और मेरी टीम भी देखे, तब तो उस चीज को राजी कर पाएगी, यस कर पाएगी, है ना। बहुत मतलब होता है 20 क्वेश्चन का भी, बहुत मतलब होता है। देखिए बच्चे के विकास, 20 क्वेश्चन ही नहीं देती हूँ मैं आपको, सारे कॉन्सेप्ट देती हूँ, चारों ऑप्शन क्लियर करती हूँ। रीजन यही होता है कि आप चीजों को समझ पाए, आंसर कर पाए, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, बच्चे के विकास को, और ऐसा नहीं है कि ये आखिरी है, अब आपको नहीं मिलेगा, मिल सकता है, थोड़ा सा सब्र कीजिए, है ना। हम भी उतना ही प्रतिबंधित है जितना आप है। तो देखिए बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया गया, बच्चे के विकास को अक्सर। तो बताएंगे यहाँ पर कि विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है। पहला है अन्य का प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित है। दूसरा है एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित है। तीसरा आंशिक रूप से विकसित है। चौथा है चेतर्तीव ढंग से विकसित है। आंसर कीजिए। भाई सभी लोग शेयर कीजिए, शेयर के संग अभी 25 ही टोटल आप लोग हैं, 25 ही। तो क्या मैं इतना मेहनत सिर्फ 25 फ्रेंड्स को जोड़ने के लिए करती हूँ, आप लोग खुद सोचिए, है ना। आपने उन फ्रेंड्स को शेयर कर दिए जैसे आपने कल किया था, परसों भी आपने मेरी हेल्प की थी, ठीक है। तो आज भी कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। सभी लोग राजगढ़ की शेरनी, मुकेश, दीपक जी, ममता, लवली, सरोज, दंशु, शैमशंग, रवि, संगीता, सभी फ्रेंड शेयर कीजिए भाई। एक से नहीं होगा, हर एक फ्रेंड शेयर कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। हाँ आधा घंटे तो चलती है दीपक जी, आधा घंटे तो क्लास चलती है आपकी, डेली चलती है। चलिए आधा घंटे तो चलेगी, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। जितना मेरे बस में है वो पूरा मिलेगा आपको। देखिए ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? 3 महीने में बोलते हैं, 6 महीने में बोलते हैं, 35 से 40 महीने में, 10 से 13 महीने में। आंसर करेंगे, राइट ऑप्शन किसको जाएगा भाई? गलत बात। शेयर कीजिए सभी फ्रेंड्स, क्लास की संख्या बहुत कम है, क्लास की संख्या बहुत कम है, आप लोग संख्या और भी बढ़ाइए। 100+ आज जाना है अपने को, ठीक है। आप लोग का रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो बेशक सब कुछ अच्छा होगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। आपके बारे में हम भी उतना ही सोचते हैं जितना आप हमारे बारे में सोचते हैं, ठीक है। हाँ चलिए आंसर कीजिए क्या होगा। बिल्कुल देखिए, आपने सुना होगा क्रंदन, क्या सुना होगा आपने? क्रंदन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुइंग कहते हैं। ये क्रंदन का मतलब ये है कि बच्चा क्या करता है इसमें, ये बोलना, आ ऊ बोलना शुरू करता है। कौन सी माह में? 6 माह में, ठीक है, क्रंदन होता है। दूसरा होता है बलबलाना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बबलिंग। ये कौन सी एज में होता है? ये 9 माह की एज में होता है। इसे बच्चा क्या करता है?
बार बार वही मामा मामा ऐसे आपने सुना होगा छोटे बच्चों को, ये होता है। तीसरा होता है एकल शब्दों का, वन वर्ड बच्चा बोलता है, एक शब्द बोलता है। ये कौन सी एज में? 12 माह में। फिर कौन सी? चौथा, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, टेलीग्राफिक भाषा। टेलीग्राफिक भाषा, इसमें बच्चा 2 वर्ष, 1.5 से 2 वर्ष में, 1.5 से 2 वर्ष में बोलना शुरू कर देता है। कौन सी भाषा? टेलीग्राफिक भाषा। ठीक है, नॉर्मल भाषा तो फिर 5-6 की एज में बोलने ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्यादातर सार्थक, क्योंकि सार्थक शब्दों की बात हो रही, सिर्फ शब्दों की नहीं, सार्थक का मतलब कोई अर्थ हो, तो अर्थ का मतलब यहाँ पर बच्चा क्योंकि 3 महीने में बोल नहीं पाएगा, 6 महीने में नहीं बोल पाएगा, तो 10 से 13 महीने में हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ, आप लोग 30+ हैं, है ना, 30+ आप सभी फ्रेंड जुड़े हुए हैं, 100 आज जाना है, 100+ जाना है। ठीक है भाई, हाँ कोई बात नहीं, संख्या आप लोग की बढ़ रही है, वेल डन। ठीक है भाई, हाँ चलिए देखिए, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? किस पर? सामाजिक रचनावाद पर। वायकोस्की ने दिया है, पियाजे ने, डेवी ने, कोहलबर्ग ने। आंसर करना है सभी फ्रेंड्स को, बताइए। 35+ है आप लोग, हैं, 100 आज जाना है। हाँ चलिए आंसर कीजिए। क्या होगा? बिल्कुल, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बायगोस की। समाज की बात जब भी आएगी, बायगोस की आंसर करना है। पर्यावरण, वातावरण अनुकूलन की बात आएगी, हमेशा पियाजे को बात करना है। नैतिकता की बात जब भी कभी आएगी, तो कोहलबर्ग को आंसर करना है। सभी को क्लियर हुआ भाई? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। शेयर की संख्या कोई कम ना करे, कोई भी शेयर की संख्या ना कम करे, है ना, आप लोगों का सहयोग बिल्कुल बनता रहे, तभी मैं आगे काम कर सकती हूँ। ठीक है, हाँ चलिए, 35 है आप लोग, आज 100 जाना है। ठीक है, देखिए अनुवांशिकता की इकाई है, क्रोमोसोम है, निषेचित अंडा कहलाता है, जीन कहलाता है, या फिर युग्मज कहलाता है। क्या हुआ? अनुवांशिकता की इकाई क्या है? मैं ऐसे ही पूरी डिटेल से, बहुत अच्छे से समझ आता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच संगीता जी, शीतल जी। ठीक है, आप लोग भी सहयोग अपना बनाए रखें, ऐसे ही जो मेरे हाथ में है वो मैं पूरा देने की कोशिश करती हूँ। शेयर तो भाई आपके हाथ में है, आप सभी मित्रों के हाथ में है, तो अगर आप 30 हैं तो 30 को 60 करने में ज्यादा समय नहीं लेगा, और जब वो 60 खाएंगे तो वो 60 भी आपको बढ़ाएंगे, है ना। तो जीवन में आगे सोचिए, बड़ा सोचिए, मैं हर बार कहती हूँ, है ना, ये मैं सोचे कि अब नहीं हो सकता है। ठीक है चलिए, तो क्या हो जाएगा, अनुवांशिकता की जो इकाई होती है वो क्या होती है? जीन होती, सी ऑप्शन होगा। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकास, डेवलपमेंट, वृद्धि, ग्रोथ, संतुलन इक्वेशन, परिपक्वता मैच्योरेशन। आंसर करेंगे भाई, कम से कम आप 50-60 तो जाइए, है ना, मेरी क्लास का नाक मत उतारिए, है ना, कि सिर्फ 30+ है, हम 80 होकर के भी 30 हो जाएंगे तो फिर ये गलत है ना, क्यों भाई? रवि जी, सनो, पूनम, दीपक, रविता, दीपक, सरोज, हिमांशी, गुंजा, सोनी, लवली, राजगढ़ की श्रेणी, नमन, ओके, आशा सिंह, मुकेश, ममता, सभी भाई यार, इतने सारे मेरे साथी, इतने प्यारे प्यारे मेरे साथी हैं, प्लीज यार सभी लोग शेयर कीजिए भाई। ठीक है, हम 100 ग्राम फास्ट ही कर रहे हैं। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? वृद्धि, ग्रोथ हो जाएगा, मात्रात्मक का वृद्धि होगा, है ना। हाँ बी ऑप्शन भी आ रहे हैं आप सभी के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 सेकंड का टाइम निकालिए, सभी फ्रेंड्स शेयर कीजिए भाई, 1 सेकंड का टाइम निकाले, आप जितने अच्छे हो उतना अच्छा पढ़ाते भी हो। थैंक यू। देखिए क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य करते हैं। यहाँ पर ये टाइपिंग करने वाले गलत कर देते हैं, क्योंकि वो भी साइकोलॉजी से तो है नहीं, निम्न कार्य कर सकते हैं किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास के लिए, माता पिता तथा शिक्षक कौन सा कार्य करें, बताइए। वाओ, आप लोग 40 जा रहे हैं,
40 प्लस जा रहे हैं आप लोग, 60 और जोड़ना है आज भाई, 100 आज हमें होकर के जाना है। क्यों दर्शु, ममता, अर्चना, राजगढ़ की श्रेणी, हिरेन, दीपक, सभी को होना है या सिर्फ मुझे ही बस होना है? तो देखिये, लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना होगा, उचित वातावरण प्रदान करना होगा, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना होगा या उपयुक्त सभी होगा, क्या होगा बताइए। हाँ 40 प्लस है आप सभी, 40 प्लस है, 60 और जाना है आप सभी को, बताएंगे क्या होगा ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन डी होगा, है ना, लिंग शिक्षा को उचित ज्ञान भी देना चाहिए बच्चे को, वातावरण बिल्कुल देना चाहिए, परामर्श गाइडेंस भी बच्चे को देना चाहिए, मार्गदर्शन भी देना चाहिए, काउंसलिंग एंड आपका, हाँ चलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। तो भाई सभी साथी एक बार फिर से शेयर कीजिए, मेरे सभी साथी, एक साथी नहीं सभी साथी, अगर मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ तो आप ये मत सोचिए कि हमारा नाम नहीं ले रहे हम नहीं करेंगे। देखिए हर कोई बढ़ाएगा जीवन में तभी कोई बढ़ेगा, है ना, अगर आपका सहयोग रहेगा तभी मैं सर आगे काम कर पाऊं आपके बीच, है ना। हाँ चूंकि मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी तभी तो मैं क्लास डेली दे पाऊंगी, है ना। चलिए क्योंकि ये फ्री क्लास है, इसकी कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि आपको शेयर करना है सभी फ्रेंडों तक। तो देखिए आप सबका सहयोग कल बहुत अच्छा था, तो उम्मीद करती हूँ कि आज भी आप अपना सहयोग जरूर देंगे। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है दो कोश में, केवल एक कोश में, कई कोश में, कोई कोश में नहीं। आंसर कीजिए क्या होगा। भाई 100 होना चाहिए आज, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, 100 होना चाहिए, सभी को बता रही हूं बार बार, ठीक है। अगर आप यहां पर शेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके बारे में भी सोचा जाएगा, इतना तो आप सभी को मालूम है। अगर कोई आपको सामने वाला सम्मान देगा तो जाहिर सी बात है आपको भी मिलेगा, है ना। आपने कभी सोचा कि आपको नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो देखिए मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है केवल एक कोश में, है ना। चलिए ये जीव विज्ञान क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में ज्यादा नहीं आती। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। हाँ 40 से आगे आप लोग जा रहे हैं, है ना, 100 होना है, 60 और बचा हुआ है आप सभी का टारगेट, कोई बात नहीं, अभी एक गलत हुआ है तो 60 और जाना है भाई, सभी लोग शेयर कीजिए, ठीक है। 60 प्लस और साथी लेकर के आए, मेरे 40 फ्रेंड्स ही लेकर के आएंगे 60 को, ठीक है। हाँ चलिए शैशवावस्था कौन सी विशेषता नहीं है, शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक विकास में तीव्रता। तो देखिए शारीरिक विकास में सबसे तीव्र विकास शैशवावस्था में, एक क्वेश्चन आता है कि शारीरिक विकास का सबसे ज्यादा तेजी कौन सी एज में होता है, तो शैशवावस्था में होता है, कम होने लगता है किशोरावस्था में, दूसरों पर डिपेंड तो बिल्कुल बच्चा होगा, नैतिकता नहीं होता कोहलबर्ग जी की थ्योरी के अनुसार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या होगा, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, मस्तिष्क और आत्मा से है, अधिगम और शिक्षा से है, प्रशिक्षण और अधिगम से है, शक्ति और गति से है, क्या होगा। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, पीपेंद्र सहयोग कीजिए सभी फ्रेंड्स और शेयर कीजिए सभी फ्रेंड्स, है ना, मिल करके, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, है ना। तो जीवन में हर एक व्यक्ति को साथी की जरूरत होती है, तभी हर कोई अच्छा काम, हर एक सक्सेस के पीछे हर कोई साथ होता है, आपके पेरेंट्स होंगे, मेरे साथ आप सब हैं, है ना, बिल्कुल हर किसी के साथ कोई ना कोई होता है, तभी आगे जीवन में कोई बढ़ता है, अकेले यूं ही कोई नहीं काम कर लेता, है ना। इतना चीज समझ लीजिए। देखिए अगर आप अच्छा करेंगे तो जीवन में आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो देखिए गामक विकास से हमारा तात्पर्य है क्या है, मांसपेशियों का विकास, तब पैरों की उचित उपयोग, ये किससे संबंधित है, बी ऑप्शन, बी लगातार बी आ रहे हैं, बी कैसे आ सकता भाई, गामक क्या है, गामक विकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आकाश जी, देखिए यहां का जो राइट ऑप्शन होगा शक्ति और गति होगा,
डी ऑप्शन होगा, है ना, शक्ति हो, क्योंकि गामक विकास की बात हो रही है ना। हाँ चलिए, हमारे साथ मैम है, वाओ, हाँ बिल्कुल, हम तो आपके साथ हैं भाई, हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका जब एग्जाम आएगा तो हम आपके लिए, अभी टेस्ट आपका संडे को है, मैराथन है संडे को, सीडीपी का मैराथन है, जिसमें आपको टेस्ट लिया जाएगा, 60 या 50 क्वेश्चन आपके एक साथ रहेंगे, उसमें भी आपको टाइमर के साथ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 30 सेकंड का टाइम हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा, बिल्कुल एग्जाम जैसा फील होगा। संडे के दिन फिक्स 11 बजे आपका यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा सीडीपी का, और रात्रि के 8 बजे हिंदी व्याकरण का भी रहेगा संडे को ही, तो सभी लोग तैयार रहिएगा, है ना। हाँ देखिए, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा, मुर्रे ने कहा, एडलर ने, क्रो एंड क्रो ने, जेबी वाटसन ने, बताइए। बिल्कुल हम रहे ना रहे महका करेंगे, है ना, मतलब मैं रहूं ना रहूं आपको इतना ज्ञान तो मिलेगा, जानकारी मिलेगी कि आपको चीजें आपको कहीं ना कहीं काम आएगी बेशक, ठीक है। हाँ चलिए, देखिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं, आज हम हैं, क्या पता कल हो, कल क्या हो, कल किसने देखा, किसी ने नहीं देखा है, आज हमने देखा है, आज पर भरोसा करते हैं, ठीक है, क्रो एंड क्रो ने कहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो जब जो पल मिले उस पल को खूब आराम से जियो, मस्ती से जियो, है ना, किसी से टेंशन नहीं, किसी से भेदभाव नहीं। देखिए, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता, पक्वता नहीं होगा, परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, बताइए, है ना। बिल्कुल वेल डन, 50 हो गए हैं आप सभी, 50+ आप लोग हैं, 50 और जोड़ लीजिए भाई, बिल्कुल। डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन बेशक आती है, हाँ बेशक आती है, क्या होगा यहाँ पर, राइट ऑप्शन बी होगा, बाल्यावस्था, और भी बाल्यावस्था को बहुत सारे नामों से जानते हैं, और अनोखा काल भी बाल्यकाल को कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, बहुत डेफिनेशन बनती है, अनोखा काल भी कहते हैं बाल्यावस्था को, और क्या कहते हैं, टोली या गैंग की एज, गैंग की एज भी कहते हैं, गैंग की आयु कहते हैं, तीसरा और क्या कहते हैं, खेल की आयु भी कहते हैं, चौथा और क्या कहते हैं, अर्जन की आयु भी कहते हैं, ठीक है, ये आपकी बाल्यावस्था की डेफिनेशन है, ऐसे ही शैशवावस्था की भी है ना, शारीरिक विकास में सबसे ज्यादा तीव्रता किस एज में होता है, तीव्रता की गति से शैशवावस्था में होता है ना, और क्या होता है, दूसरों पर निर्भरता किस एज में होता है, शैशवावस्था में होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति किस एज में होती है, ये आपकी शैशवावस्था में होता है, अनुकरण यानी दोहराने की प्रवृत्ति कौन सी एज में पाई जाती है, शैशवावस्था में पाई जाती है, तो ये बहुत मैम ये एमपी टीचिंग के लिए भी है क्या, हाँ बिल्कुल प्रगति जी, ये एमपी टेट के लिए है, रीट के लिए है, सी टेट के लिए, यूपी टेट, सुपर टेट, सभी टीजीटी एग्जाम के लिए है, साइकोलॉजी जिसमें भी पूछी जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन है, ठीक है भाई, नोट कर लीजिएगा डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको भी इसका महत्व तो नहीं पता होगा, क्योंकि आप अगर बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो न्यू एग्जाम होगा जिनका, है ना, लेकिन चीजों को पहली बात तो आप लोग सिलेबस निकालिए, मैं हर एक फ्रेंड्स को बोलती हूँ, पहला टाइम टेबल बनाइए, सिलेबस निकालिए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, और अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपने 24 घंटे में 6 घंटे 7 घंटे 5 घंटे जितने घंटे आप मैनेज कर सकते हैं उसको सिर्फ पढ़ाई में, जब तक आपके 4 घंटे 5 घंटे कंप्लीट ना हो जाए, सुकून की नींद मत सोइए, ये वही दौर है जो आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। हाँ आंसर करेंगे, मेराडिस के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक डॉट डॉट होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं, कहने का मतलब यह है कि मेराडिस यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट है जो क्या कहती है कि जो सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक डॉट डॉट होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे, जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं उनके घर के बच्चे कैसे होते हैं बताइए, कम स्वस्थ एवं विकसित होते हैं, अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं, और अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित होते हैं, या फिर स्वस्थ नहीं होते पर विकसित होते हैं, क्या होगा बताइए, बागों में फूल तो बहुत लेकिन मुझे पसंद
नहीं यूट्यूब चैनल तो बहुत है लेकिन सेल्फ स्टडी क्लासेस से पसंद। वाह माया राम जी क्या बात है, किशोर भगोड़े होते हैं। चलिए हाँ ज्यादातर आंसर बी आ रहा, क्या बात है, अधिक स्वस्थ होते हैं एवं विकसित होते हैं, है सारी चीजें उनको मिल जाती है, ईश्वर करे सभी को मिले, है ना, हम तो यही ईश्वर से प्रे करते हैं कि सभी को वो माहौल मिले, वो वातावरण मिले, ये गरीब और अमीर ये दुनिया की ये कहना है सोचना है, ईश्वर के यहाँ सभी लोग बराबर आते हैं, सभी का जन्म वैसे होता है ना, हर कोई वो चीज पाए जो अमीर पाते हैं, जो गरीब पाते, सभी को एक समान मिले, है ना। देखिए संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, भाषा का विकास, क्या हो, क्या होगा बताइए। नमस्ते रीता जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते भाई, आप लोगों ने आज भी 100+ टारगेट अपना कंप्लीट नहीं किया, आज भी नहीं किया है ना, ठीक है। चलिए मैम बात कम करो, 5 ज्यादा करो। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है मानसिक विकास, है मानसिक विकास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से पढ़ें कि निम्न में से कौन सा सीखने का सही स्तर है, तथ्य है ज्ञान प्राप्त करना है, सूचना है, प्रज्ञान प्रज्ञान है, तथ्य है सूचना प्रबोध, ज्ञान प्राप्त करना प्रज्ञान है, तथ्य है सूचना प्राप्त करना है, सभी इसको पढ़िए और आंसर कीजिए क्या होगा। वाओ दिन मैम जी दिन भर में 5 बार लाइव क्लास देखता हूँ, वाओ भाई कौन सी क्लास देखते हैं आप, हिंदी देखते हैं, सीडीपी देखते हैं, कौन सी क्लास आपको बहुत पसंद आ रही है। हाँ 7 हो जाएगा, सीखने का सही स्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या बात है, ज्यादातर आंसर सही आ रहे हैं भाई। क्लास डेली 11 बजे होती है, डेली क्लास 11 बजे, टाइम टेबल नोट कर लीजिए एक बार, सीडीपी की क्लास डेली 11 बजे दिन में रहती है मेरे द्वारा ही, 8 बजे रात्रि को हिंदी व्याकरण डेली रहती है, इसी चैनल पर मैं ही पढ़ाती हूँ, रात्रि के 9 बजे लाइव क्लास हिंदी साहित्य का आपको सर के द्वारा मिलता है, साहित्य पढ़ाया जाता है, ठीक है बिल्कुल। चलिए बताएंगे परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है, नहीं कहा जाता, हाँ कहा जाता है, अनिश्चित या फिर कभी कभी बताएंगे। आंसर कीजिए क्या होगा, अभी मैथ नहीं हो रही है, अभी मैथ तो नहीं चल रही है, हाँ क्या हो जाएगा, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहा जाता है बताएंगे, चूंकि परिपक्वता की बात कर रहे हैं और परिपक्वता आपको अधिगम व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी कहा जाता है। 18 ए, हाँ कोई बात नहीं मेघा, देखिए क्या होगा, नहीं होगा, परिपक्वता की बात है, परिपक्वता से आपको जरूरी नहीं है कि आपको अधिगम आ जाए, कि आपका वजन 90 किलो है तो आप बहुत ज्ञानी होंगे, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, परिपक्वता से ज्ञान नहीं आता है आपका, ऑब्वियसली आपका जब अधिगम बढ़ेगा तो परिपक्वता दिखाई दे, और ये नहीं कि आपका वजन बढ़ा है तो आप बिल्कुल आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। हाँ रीट फर्स्ट लेवल की सभी के लिए है इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
सभी के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विकास का एक अधिनियम है कि विकास गतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार क्या होगा, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है, दूसरा है वह संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है व्यसंधि युग, तीसरा है व्यसंधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं व्यसंधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है, क्या होगा बताइए। क्वेश्चन लेंदी है, पढ़िए आराम से। कौन सा समझ में नहीं आया रीता? आंसर कीजिए। हाँ पहला आंसर दीपक आया है, दीपक सैमसन हिमांशी नरेश, बिल्कुल डी ऑप्शन लगातार आंसर आ रहे हैं, सरोज बीरेन सैमसन नरेश के दर्शु लवली मायाराम राजगढ़ की शेरनी ओम देव नरेश रश्मि आशा रीता नरेश, बिल्कुल क्या है यहाँ पर डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर सही बात है ना, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा जीवन का प्रथम वर्ष। एक बार इसको कट कर देती हूँ, कभी कभी मेरे साथी कहने लगते हैं कि मैम आप पूरे जगह लिख देती हैं तो हमें समझ में नहीं आता हमारा राइट ऑप्शन किसको जाएगा, तो भाई ये रहा आपका डी ऑप्शन, ठीक है क्लियर हुआ सभी को। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। कुपोषण बताइए जीवन के बाद के वर्षों में मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, यह बालकों को सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है, बालक निराश आशंकित होते हैं, यह कद को प्रभावित करता है, क्या होगा। लाइक पर टेस्ट नहीं होता है, चलिए आंसर कीजिए क्या होगा। 9 बजे हिंदी साइट, हाँ मायाराम जी बिल्कुल आप सभी को मालूम है सीडीपी की क्लासेस में ज्वाइन कीजिए डेली रात्रि के, सीडीपी तो सुबह 11 बजे ही रहती है, डेली रहती है 11 बजे दिन के, रात्रि के 8 बजे हिंदी व्याकरण रहती है, रात्रि को 8 बजे हिंदी व्याकरण, रात्रि के 9 बजे हिंदी साहित्य सर के द्वारा, ठीक है। हाँ चलिए आंसर कीजिए क्या होगा। हाँ 10 बजे पार एग्जाम पार, बिल्कुल चलिए ए ऑप्शन हो जाएगा, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, कौन प्रभावित करता है, कुपोषण प्रभावित करता। तो चलिए भाई दर्शन कर लेते हैं आप सभी का, लास्ट क्वेश्चन है कुपोषण, हाँ बिल्कुल कभी ना कभी अटैक जरूर करता है भाई, है ना, कभी ना कभी अटैक जरूर करता है, इसलिए पूरा पोषण लीजिए, है ना, मूली पालक ईपीएस नहीं पढ़ाती मैम, अभी तो हम हिमांशी जी नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए मैं आपको हिंदी पेडागॉजी भी दूंगी, एक 3-4 क्लास में आपको हिंदी पेडागॉजी कंप्लीट करा दूंगी, ईबीएस की पेडागॉजी भी कंप्लीट करा दूंगी 3-4 क्लास में ऐसे ही, तो आप लोग निश्चिंत रहिए साथ में बने रहिए, बहुत सारा क्लास रहता है मैम इतना तो अटेंड भी नहीं कर पाते, हाँ क्लासेस तो रहती है बेटा बट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसे आप ज्वाइन कर लिया कीजिए, है ना, आपको कोई कहने नहीं आएगा कि चलिए, है ना, जीवन आपका है, तय आपको करना है कि आपका सफर कितना दूर कितना जल्दी आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको जल्दी लेना है तो थोड़ा उस तरीके से स्पीड से चलना है, ठीक है, आज के जमाने में आपको कोई कहने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हो, चूंकि पेरेंट्स देखिए पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं है कि आपको देख पाए कि आप मोबाइल में क्या कर रहे हो, फेसबुक इंस्टाग्राम में हो या फिर पढ़ रहे हो, तो अपना भविष्य है स्वयं बनाइए, कल को जब आपकी एज हो जाएगी ना तो वो अपने आप आदमी को लगने लगता है कि काश हम ये वक्त बर्बाद ना किए होते, है ना, हाँ तो ये एक उम्र के बाद फिर लगने लगता है, जैसे पहले की उम्र में आपका जो भी नादानियां रही होंगी वो खत्म हो गई होंगी, आप थोड़ा अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगे होंगे, ऐसे ही जब एज बढ़ती जाएगी तो बिल्कुल आपका और भी चीजें लगेगा कि नहीं यार पिछला हमने नुकसान कर दिया, अगर पिछला हमने सब कुछ अच्छा किया होता तो आज हमारा कोई ना कोई टॉपिक कंप्लीट हो गया होता। ओके रीता बिल्कुल थैंक यू मैम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हाँ सही बात है बिल्कुल, टाइम टेबल एक बार और नोट कर लीजिए आप सभी लोग, है ना,
दिन के 11 बजे चाइल्ड डेवलपमेंट, रात्रि को 8 बजे हिंदी व्याकरण, रात्रि को 9 बजे हिंदी साहित्य। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट मैं ही पढ़ाती हूँ, हिंदी व्याकरण मैं ही पढ़ाती हूँ, हिंदी साहित्य आपको सुमित सर पढ़ाते हैं। तो क्लियर हुआ सभी को? हाँ, एनवायरमेंट की भी हम आपको पेडागोगी क्लास लाएंगे, दो तीन क्लास आपको पेडागोगी की दे देंगे, दो तीन क्लास आपको हिंदी पेडागोगी की दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, भरोसा बनाइए, है ना, सबसे बड़ा होता है भरोसा। भरोसा होगा तो बिल्कुल सब कुछ मिलेगा। हाँ, कोरोना में तो बहुत खराब वक्त चल रहे हैं भाई। चलिए, तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे आपको रात्रि के 8 बजे। ठीक है, और संडे का टेस्ट देने सभी फ्रेंड जरूर आएंगे। चलिए, ओके, चलिए भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।